हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा जो है, जैसे हमारा किडनी से पेशाब बनते हुए यूरेथ्रा के द्वारा जो पेशाब थैली में आता है वहाँ पर जमा हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब उनको पेशाब की फिलिंग होती है तो ब्लेडर से यूरेथ्रा के द्वारा पेशाब बाहर निकल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, पेशाब जब बाहर नहीं निकलता है कई कारणों से, और पेशाब करने में आपको दिक्कत हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर हो गया, माने जो पेशाब की नली है उसमें सिकुड़न हो गया। इसके सिकुड़न के कई कारण होते हैं। जैसे पहला कारण हो गया कि कोई किसी का पेशाब बंद हो गया है तो उसको कैथेटर लगा दिया गया, कहीं पर इंजरी हो गई तो इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है। और दूसरा कारण है इसका, किसी को प्रोस्टेट की बीमारी हो गई है, उनको भी स्ट्रक्चर होने का पूरा चांस रहता है। मान लीजिए किसी को UTI का इन्फेक्शन है बार बार, तो उनका भी स्ट्रक्चर होने का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद जो है, उनको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई, जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, तो इस कारण से भी स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पेशाब जो है, पेशाब थली तक तो आ रहा है लेकिन आगे का रास्ता संकरा हो गया है, पेशाब नहीं निकलेगा। और जब पेशाब नहीं निकलेगा जिनका, तो ये तो भुक्तभोगी लोग जानते हैं, जिनका पेशाब रुक गया है पेशाब नहीं निकलता है। पेशाब के लिए आपको इसके साइन सिम्टम्स क्या है, पेशाब के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है, पेशाब कभी कभी निकलता है, बहुत बर्निंग होगी, दर्द होगा, बूंद बूंद होगा, ये सब प्रॉब्लम जो है स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा में होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि अगर आप अपने सिम्टम के अनुसार ले लेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी पहली दवाई का नाम है क्लेमिटिस। आपको क्लेमिटिस तभी काम करेगी जब स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा बिगनिंग स्टेज में हो। अगर पुराना केस है, 2 साल 4 साल का है, तब क्लेमिटिस काम नहीं करेगी। क्लेमिटिस तभी काम करेगी इन द अर्ली स्टेज, जब आपका शुरुआत हुआ है, 10 दिन का हुआ, 15 दिन का हुआ, 1 महीने का हुआ है, माने एट द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। अगर वो प्रॉब्लम आपकी शुरुआती स्टेज में है तभी क्लेमिटिस काम करेगी, नहीं तो क्लेमिटिस काम नहीं करेगी। तो आप जो क्लेमिटिस 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार अगर लेंगे तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि आपका स्ट्रक्चर यूरेथ्रा एट द बिगिनिंग स्टेज, अगर शुरुआती स्टेज में हो तब अच्छा काम करेगी। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है चिमाफिला। चिमाफिला मदर टिंचर, ये तभी काम करेगी जब आपको पेशाब करने के लिए स्ट्रेंथ देना पड़ता है। आप थोड़ा सामने की तरफ झुके और खूब प्रेशर दिए तभी पेशाब निकलता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के केस में अगर आप चिमाफिला मदर टिंचर 15 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लेते हैं तो आपका पेशाब भी निकलने लगेगा और आपका आस्ते आस्ते स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कैंथरिस। कैंथरिस, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी स्टेज रहे, अगर बर्निंग है, बर्निंग और पेन रहे, आपको कैंथरिस लेना है 3-3 बूंद करके, 3-3 घंटा पर 3-4 बार करके कुछ दिन तक ले लीजिए, तो आपकी बर्निंग भी ठीक हो जाएगी, आपका स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि आपके पेशाब में बर्निंग एंड पेन होना चाहिए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है थियोसिनामिनम। थियोसिनामिनम 30 पावर में 3-4 बूंद करके दिन में 3-4 बार लेनी है। ये तभी लेनी होती है जब आपके यूरेथ्रा में स्कार टिश्यू हो गया है। अब स्कार टिश्यू कैसे हो गया है ये हम आपको समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो है ये एक मेडिकल चीज़ है, इसको यूरोलॉजिस्ट ही बताएंगे। यूरेथ्रा के अंदर में स्कार टिश्यू बन गया है, तो अगर स्कार टिश्यू बन गया है तो थियोसिनामिनम इसकी रामबाण दवाई है। थियोसिनामिनम 4-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लिया जाए तो स्कार टिश्यू भी ठीक हो जाएंगे और आपका स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कोनियम मैक्लोटम। इसको जो है ऐसे मरीज में दिया जाता है जैसे पेशाब हमको लगी है, पेशाब करने गए, पेशाब रुका, थोड़ा पेशाब हुआ, फिर हो गया, कोई बर्निंग नहीं, कोई जलन नहीं, इंटरमीडिएट फ्लो, एक बार पेशाब हुआ फिर रुक गया, फिर हुआ फिर रुक गया, फिर हुआ फिर रुक गया। ऐसे केस में अगर पेशाब बार बार आता है, बार बार रुक जाता है और फ्लो इंटरमीडिएट है, तो आप जो कोनियम 200 पावर में 4 बूंद सुबह शाम करके लगातार लेंगे तो आपका पेशाब का फ्लो भी आ जाएगा और आपका स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कैम्फर। दोस्तों, कैम्फर आपको तब लेनी है जब आपने सारी दवाई खा लिया, आपका स्ट्रक्चर ठीक हो गया, आप दवाई छोड़ दिए, आपका स्ट्रक्चर फिर हो गया, स्पेसमोडिक स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा, माने दवाई से आपका आराम तो मिल गया लेकिन ऐसा चीज़ है ये आपको बार बार परेशान कर रहा है, स्पेसमोडिक बार बार हो रहा है, तो अगर स्पेसमोडिक स्ट्रक्चर हो रहा है इसके लिए कैम्फर रामबाण दवाई है। कैम्फर 1x पावर में या 30 पावर में, अगर 1x पावर मिलती है तो 5-5 बूंद करके 3 बार और 30 मिलती है 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार अगर लेंगे तो आपको इसी दवाई से स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा जीवन भर के लिए ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि आपका स्ट्रक्चर स्पेसमोडिक होता हो। सब दवाई करके
थक गए फिर भी आपका स्ट्रक्चर से पीछा नहीं छूटता है, तब आपको कैम्फर से एकदम 100% आराम मिलेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा की टॉप 5 मेडिसिन बताया। दोस्तों अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है drpstiwari.com। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।